यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अपन को ऐसे 3 पार्ट्स पढ़ने हैं यूनिट 3 में। सेकेंड पार्ट में अपना रहेगा इसमें मीडिया प्लानिंग, और थर्ड रहेगा अपना इसमें कैंपेन प्लानिंग। हम अभी फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं यूनिट 3 का, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस, ये वाला पार्ट देख रहे हैं इस लेक्चर में अपन। तो एडवर्टाइजिंग, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में आते हैं। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट सीखने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग वर्ड किससे मिलके बना है? एडवर्टाइज करना मतलब प्रमोशन करना, सामने वाले को इन्फॉर्म करना प्रोडक्ट के बारे में, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एक अगर हम टीवी चैनल्स वगैरह अगर हम देखते हैं, ठीक, तो उसमें बीच बीच में अगर अपने कुछ वेब सीरीज या सीरियल्स चलते हैं तो बीच में एक एड आ जाता है, ब्रेक। तो उस एड और ब्रेक में क्या होता है? प्ले एडवर्टाइजमेंट्स। किसके एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं? कंपनी के, प्रोडक्ट्स के। तो जिसमें हमको प्रोडक्ट की क्या मिल रही है? नॉलेज मिल रही है, ठीक है, एक तरीके का नॉन पर्सनल प्रमोशन, ठीक। कंपनी पर्सनली प्रमोट नहीं कर रही है, लेकिन नॉन पर्सनल प्रमोशन टूल है जिसमें हमको गुड्स और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। स्पॉन्सर कौन कर रहा है एडवर्टाइजमेंट को? कंपनी, ठीक है। लेकिन जहां पे एडवर्टाइजमेंट हो रही है, इट मींस जहां पे हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो किसी मीडिया के थ्रू मिल रही है। मीडिया मींस चैनल, चैनल यहाँ पे का मतलब है प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक। तो उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो आजकल कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? टीवी है एडवर्टाइजमेंट्स देने के लिए, न्यूज़पेपर्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, ठीक। अगर मॉल्स वगैरह में जाओ तो वहां पर एक शो हो जाते हैं, रोड शोज किए जाते हैं प्रोडक्ट को करने के लिए। तो ये एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कंपनी क्या करती है? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। तो इस हिसाब से ये एक तरीके का क्या हो गया? नॉन पर्सनल हो गया, क्योंकि पर्सनली नहीं कर रही है कंपनी। कंपनी इसमें क्या कर रही है? किसी एक मीडिया, मीडिया मीन्स प्लेटफॉर्म, यहाँ पे मीडिया का मीन्स चैनल, और उस प्लेटफॉर्म से जिस प्लेटफॉर्म को कंपनी यूज कर रही है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या बोलता है डेफिनेशन के लिए? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या बोल रहे हैं? एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन। देखो मैंने बताया था नॉन पर्सनल है, पेड फॉर्म है, ये हम पे करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टीवी है, न्यूज़पेपर्स हैं, पैम्पलेट्स वगैरह हैं, या फिर लोकल चैनल्स वगैरह हैं। तो अगर हम उसमें एडवर्टाइज करवा रहे हैं तो हमको उसमें पे करना पड़ता है। इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन है किसका? उस कंपनी, कंपनी के क्या आइडियाज हैं उस गुड्स को लेकर के, है ना। प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विस बाय एन आइडेंटिकल स्पॉन्सर। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम इसमें देखेंगे, अकॉर्डिंग टू जेस्टर, ZACHER, अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और आइडियाज बाय अदर देन डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट। देखो एक तरीके से हम कम्युनिकेट ही कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, किसके रिगार्डिंग? प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग या आइडियाज, लेकिन किसके अलावा? डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है कंपनी से। देखो कम्युनिकेट कर रही है कंपनी, एक चैनल को यूज कर रही है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, लेकिन देखो खुद पर्सनली नहीं कर रही है, एंड ऑन एन ओपनली पेड बेसिस। ऑब्वियसली हम पेड बेसिस पे कर रहे हैं।
इंटेंशन क्या है उसका, सेल करने का, और अदरवाइज ऑब्टेन फेवरेबल कंसिडरेशन. और फेवरेबल कंसिडरेशन मीन्स फेवरेबल फीडबैक. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन वैल्यू, है ना. कंपनी क्यों कर रही है इसको, सेल करने के लिए. और सेल करने के बाद कंपनी को क्या होगा उससे, प्रॉफिट. प्रॉफिट मीन्स इनकम, इनकम मीन्स मनी. तो समथिंग इन वैल्यू इसका मतलब ये है. आगे देखो, अब देखो ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे किसी कंपनी के एडवर्टाइजिंग के. पहला क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, है ना. टू ऑफर सपोर्ट टू पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम. देखो कंपनी का जो खुद का पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम होता है जिसमें बायर और सेलर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं. जब अपन खुद पर्सनली गुड्स लेने जाते हैं तो हमको सेलर क्या करता है, डायरेक्ट दिखाता है, ठीक है. तो एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है. जो पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करता है. एक्चुअली हम न्यूज़पेपर या टीवी या कहीं पर हम उसकी एड देख के जाते हैं लेने के लिए. तो इट मीन्स उसने उसके लिए क्या बनाया, उस एड ने पर्सनल सेलिंग के लिए एक बेस बनाया. हम जाएंगे तो हमको ऑलरेडी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा. इट मीन्स वो एक फेवरेबल, एक पॉजिटिव ग्राउंड क्रिएट कर रहा है उस सेल्समैन के लिए, ठीक है. और हम उससे ऑलरेडी अवेयर हैं प्रोडक्ट से, ठीक है, और कंपनी से. तो इससे क्या होगा, जो सेल्समैन है उसकी जॉब इजियर हो जाएगी, ठीक. और इससे क्या होगा, सेलिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, ऐसे प्रोस्पेक्ट तक पहुंचना जहां पर खुद सेल्समैन पर्सनली नहीं जा सकता. टू रीच प्रोस्पेक्ट विच आर इनएक्सेसिबल टू द सेल्समैन. तो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर सेल्समैन पर्सनली नहीं ट्रेवल करके जा सकते. प्लस जैसे रूरल एरियाज में बहुत जगह है कि हम नहीं पर्सनली जा सकते. या फिर टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिनसे जो सेल्समैन होते हैं उनसे मीटिंग या अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते हैं. तो ऐसे प्रोडक्ट्स को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट का. ऑब्वियस है जो टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं वो न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो हम न्यूज़पेपर में दिलवा सकते हैं. टीवीज वगैरह हम रूरल एरियाज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं कि वो लोग दिखेंगे. नेक्स्ट देखो, टू डू द एंटायर सेलिंग जॉब, ठीक है. आजकल ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है तो हम क्या करते हैं, पर्सनली उनसे नहीं मिलते हैं तो वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, उसका फोटो क्लिक करके उसका फीचर्स बता के. तो टू डू द एंटायर सेलिंग जॉब, इवन ऐसे जॉब्स जहाँ पे मेल के थ्रू सब काम होता है. फिर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, अगर हमको मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की ही वेराइटी हमको इंट्रोड्यूस करना है तो ये बेस्ट तरीका है. लोगों को पहले से ही एक अवेयर कर दो या उनके अंदर एक ऑलरेडी एंग्जाइटी क्रिएट कर दो कि इस टाइप का एक प्रोडक्ट आ रहा है. और ऐसी टेक्निक्स और ऐसे टेक्टिक्स तो आजकल मार्केट में हर कंपनी यूज करती ही है. सपोज अगर आप देखोगे किसी मूवीज वगैरह के पेड प्रमोशंस होते हैं तो ऑलरेडी क्या होता है, उसमें वो लोग आते हैं दूसरे आपके जो फेवरेट सीरियल्स हैं उसमें आके वो लोग गेस्ट रोल करते हैं, गेस्ट अपेयर करते हैं. इट मींस आपको वो ऑलरेडी अवेयर करते हैं कि लाइक हमारी एक मूवी आने वाली है तो हम उसमें आने. तो इंट्रोड्यूस ये न्यू प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग पे करना है. या फिर टू एंटर अ न्यू मार्केट, अगर उनको किसी न्यू मार्केट में एंटर करना है. सपोज अगर हम इंडिया की बात कर लें तो वेराइटी है इंडिया में. तो सपोज न्यू मार्केट मीन्स वॉट, अगर वो लोग पहले बच्चों के लिए करते थे तो अब वो बड़ों के लिए करेंगे, एडल्ट्स के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. या फिर वो लोग का प्रोडक्ट सपोज पहले छत्तीसगढ़ में सेल होता था तो अब वो एमपी में इसको सेल करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में. तो न्यू मार्केट्स है ना. तो वो मार्केट डिपेंड करता है कि वो लोग पहले बच्चों के प्रोडक्ट्स टारगेट करते थे अब एडल्ट्स के कर रहे हैं, या फिर उन लोगों वो लोग एरिया ही चेंज करें. या फिर टू अट्रैक्ट अ न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर, ये भी इसी में ही आ जाएगा. न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर इसी में ही आ जाएगा ना. न्यू ग्रुप मीन्स मैंने क्या बोला, चाइल्ड से ओल्ड पे जा रहे हैं, ओल्डर से उसमें आ रहे हैं, तो न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. नेक्स्ट इसमें ये हो सकता है, एक सिक्स पॉइंट, टू रिमाइंड यूजर्स टू बाय द प्रोडक्ट. उसका कंटिन्यू सेल्स बना रहे मार्केट में ही, जब कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है. कॉम्पिटिशन मीन्स सब्स्टिट्यूट आपके अवेलेबल है, उसी प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी भी बना रही है. तो हमको बीच बीच में एक रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ती है कि लोग अवेयर रहें, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करना नहीं छोड़ दें. फिर टू फोर्स मिडिल मैन टू हैंडल द प्रोड्यूस, ठीक है. टू फोर्स मिडिल मैन टू
हैंडल द प्रोड्यूस नेक्स्ट क्या होगा इसमें देखो एट पॉइंट टू बिल्ड ब्रांड प्रेफरेंस एंड ब्रांड लॉयल्टी ऑब्वियस है इससे क्या हेल्प करता है कंपनी की एक इमेज क्रिएट होती है तो ब्रांड प्रेफरेंस होता है लोगों के माइंड में और एक ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कंपनी के डीलर्स रिलेशंस इंप्रूव होते हैं एडवर्टाइजमेंट से इंप्रूव कंपनी डीलर्स रिलेशंस अगर कंपनी को अपना एक्सपांड करना हो सेल्स को टू कंपनी सेल्स क्या करना है इसमें सॉरी कंपनी नहीं इंडस्ट्री सेल्स है ना एक पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है तो टू एक्सपांड द इंडस्ट्री सेल्स तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेंथ क्या होगा ये एक तरीके से क्या है कंपनी का कम्युनिकेशन मीडियम है तो इसको हम स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं इसको हम मैरिट्स भी बोल सकते हैं तो एडवर्टाइजिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं एज अ कम्युनिकेशन मीडियम ऑब्वियस कम्युनिकेट करना मतलब अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का एक जरिया बन गया कम्युनिकेशन मीडियम है ये क्या है कंपनी अवेयर करवा रही है कंपनी कम्युनिकेट कर रही है अपने प्रोस्पेक्टिव्स या अपने प्रोस्पेक्ट्स बायर से किसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू तो जब हम एडवर्टाइज कर रहे हैं तो हम उसके फीचर्स बता रहे हैं हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोगों को पुश कर रहे हैं और दूसरी बात क्या होगी शॉपकीपर्स अब इसमें ना ज़्यादा क्या बोलते हैं डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करते हैं जो प्रोडक्ट्स अच्छे से एडवर्टाइज किए जाते हैं प्लस इसमें क्या होता है जैसे अगर कोई स्पेशल डिस्काउंट वगैरह आ रहा है कोई ऑफर चल रहा है या स्कीम्स वगैरह चल रही है तो वो ऑलरेडी पहले से ही अनाउंस कर दी जाती है हेल्प करने के लिए ठीक है दूसरा इसका स्ट्रेंथ क्या है सक्सेस ऑफ अदर प्रमोशनल टूल्स तो इसकी वजह से जो दूसरे प्रमोशनल टूल्स हैं वो भी सक्सेस होते हैं क्या है सब एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं तो अदर प्रमोशनल टूल्स में क्या आ जाता है डायरेक्ट सेलिंग हो जाती है पर्सनल सेलिंग होती है सेल्स प्रमोशन होता है पब्लिसिटीज की जाती है तो ऑलरेडी क्या होता है जो एडवर्टाइजिंग है ये मूव करते हैं सब ये सब कोरिलेट होते हैं तो इससे क्या होता है जो सेल्समैन की जॉब है वो इजियर हो जाती है जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं प्रमोशनल टूल्स में आएगा ये थर्ड है इंड्यूस करता है बायर को परचेज करने के लिए इंड्यूस बायर टू परचेज एंड रीपरचेज ऑब्वियस है ये लोगों को मोटिवेट करता है परचेज करने के लिए और अगर मान लो किसी ने एक बार यूज़ किया तो उसको नेक्स्ट टाइम करेगा कि उसको यूज़ करें दूसरा हम इसमें कंज्यूमर एटीट्यूड चेंज करता है चेंजेस द कंज्यूमर एटीट्यूड ऑब्वियस है ना हमको किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है कि हम उसके बारे में ना जानना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं या फिर हमको उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है लेकिन अगर हमने किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट देखी तो एक्चुअली हम अवेयर हो जाते हैं तो जो कंज्यूमर का एटीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है और कभी कभी ऐसे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे कि हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही कर सकें उसको डील कर सकें और प्रोडक्ट प्राइस प्लेस हमको हम अपने अकॉर्डिंग हम उसको डिसाइड कर लेते हैं नेक्स्ट देखो न्यू मार्केट्स को एक्सपोज करने के लिए ये मैंने पहले भी बताया है न्यू मार्केट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दूसरा सेलिंग कॉस्ट कम हो जाती है मींस रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में तब चलता है जब वो कॉम्पिटिटिव प्राइस दे मतलब ना ज़्यादा दे ना कम दे ठीक है तो रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियस है कि जब एडवर्टाइजमेंट से काम हो रहा है तो पर्सनल सेलिंग में वो लोग ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देते हैं तो पर्सनल सेलिंग में जैसे वो लोग ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देंगे उससे क्या होगा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी नेक्स्ट देखो ये एडवर्टाइजमेंट एक तरीके से मिडिलमैन का काम कर रहा है एक अपने मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स के बीच में ठीक क्विक सेल्स की गारंटी मिल जाती है एडवर्टाइजमेंट से अगर उसमें आपने बता दिया ऑफर है तो नेक्स्ट डे जाकर देख लो बिग बाजार या कहीं पे भी एकदम रश रहता है उसमें तो क्विक सेल्स का रहता है दूसरा क्या रहता है हेल्प करता है मार्केटिंग सिस्टम को ठीक है मार्केटिंग सिस्टम को हेल्प करता है मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है इससे अवेयर हो जाता है लोगों की नीड्स और टेस्ट तो उससे वो लोग उसके अकॉर्डिंग ही अपना कुछ प्रमोट करते हैं और प्लस उनके अंदर क्या है कॉन्फिडेंस आ जाता है एक अगर इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट हो रही है ठीक है तो इसमें क्या है
पूरा मार्केटिंग सिस्टम इन्वॉल्व रहेगा। नेक्स्ट क्या है इसमें देखो, सेव्स टाइम। यस इट सेव्स टाइम, काम समय कम लग रहा है क्योंकि प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी नॉलेज है, तो ये एक तरीके से टाइम सेव कर रहा है कंपनी का भी और कस्टमर्स का भी। नेक्स्ट हम इसमें बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के वेन्यूज है, ऑब्वियस है, एडवर्टिजमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, एक न्यू एरा स्टार्ट हो जाता है लोगों का। लोग एडवर्टिजमेंट एक फील्ड है जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग और दूसरे जॉब एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटर्स से भी हम अवेयर रहते हैं क्योंकि मार्केट में क्या अपने सब्सिट्यूट प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो हम कॉम्पिटिटर्स से भी अवेयर रहते हैं। नेक्स्ट देखो, एजुकेटर और एंटरटेनर का काम करता है, किसका काम करता है, एडवर्टाइजिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एजुकेटर एंड एंटरटेनर। ये नया नए नॉलेजेस प्रोवाइड करवाता है, टीच करता है न्यू लाइफ स्टाइल्स के लिए, न्यू फैशंस के लिए, तो ये सब अपनी स्ट्रेंथ ऑफ एडवर्टाइजिंग है। नेक्स्ट हम देखेंगे वीकनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट इसकी अगर हम वीकनेस देखें तो इसका वीकनेस क्या होगा, ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वही अफोर्ड कर सकती हैं एडवर्टाइजमेंट्स को, जिनका लार्ज एडवर्टाइजमेंट बजट होता है। एक्चुअली क्या होता है, रिपीटेड होती हैं एडवर्टाइजमेंट्स, बार बार चलती हैं, दिन भर चलती हैं, महीनों महीनों चलती हैं, ईयरली चलती हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो जिसको सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ही अफोर्ड कर सकती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वन टाइम कर सकती है लेकिन उसको बार बार वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। प्लस नेशनल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो वो एक्सपेंडिचर डिमांड करती हैं, हैवी एक्सपेंडिचर। अगर हम लोकल चैनल में देते हैं अपने प्रोडक्ट को तो हम आसपास के जो मार्केट को टारगेट करें, बट नेशनल एडवर्टाइजमेंट्स पूरे इंडिया के चैनल्स में सबको दिख रहा है सब जगह, तो अच्छा खासा बजट हो जाता है। और उससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हाई हो जाता है, ऑलमोस्ट अपवर्ड हो जाता है 20-25% से। तो ये है इसका एक, ठीक है, पर्सनल। इसमें क्या होता है, कन्विंस मे नॉट कन्विंस द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। ठीक है, क्योंकि जब हम पर्सनल सेलिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम पर्सनली मिलके उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, लेकिन हम इसमें हम उसकी क्या बोलते हैं, पर्सनल इंडिविजुअल कस्टमर्स की हम उसको नहीं कर सकते, हम पूरे मार्केट को टारगेट करते हैं, तो हम इंडिविजुअली नहीं देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें, ऑलवेज इसमें एक चांस होता है, कंसिडरेबली पॉसिबिलिटी होती है वेस्टेड एफर्ट्स की। ऑब्वियस है, क्यों ये ट्रिक हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, कभी कभी तो इतने बुरे तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट्स कि लोगों को हैवी लॉसेस हो जाते हैं, तो कंसिडरेबल पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें, फिफ्थ पॉइंट है इसमें, ये एक वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे नहीं है। कंपनी तो बोल रही है बट व्हाट आर द रिएक्शंस, कस्टमर्स क्या है, कस्टमर के क्या आइडियाज हैं, वो उस तक नहीं पहुंच रहे। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट टू वे हो जाता है, और एडवर्टाइजमेंट में क्या है, सिर्फ वन वे, कंपनी सिर्फ बोल रही है, बता रही है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है, सपोज इसमें कंज्यूमर्स समटाइम्स नॉट इंटरेस्टेड होते हैं एडवर्टाइजिंग्स। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, जो स्मॉल फर्म्स हैं उनका एंट्री बैन हो जाता है, बैन नहीं होगा, कम हो जाता है, और मार्केट में क्या हो जाता है, सिर्फ एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर के। नेक्स्ट है इसमें, इन्फ्लुएंस करता है कुछ कुछ, इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर माइंड्स, एग्जग्रेट कर देता है चीज़ों को, तो इन्फ्लुएंस करता है बुरे तरीके से, मे बी जिस प्रोडक्ट की नीड नहीं हो उसकी नीड पता नहीं कैसे क्रिएट हो जाती है एडवर्टाइजमेंट में, मतलब लोगों का माइंड इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं अपन, नॉइस इन कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं, एक तरीके से नॉइज है। ठीक है, टू मच मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस,
अटेंशंस क्रिएट करते हैं कस्टमर्स को, तो हॉटस्पॉट हो जाता है. आजकल ही देखो कस्टमर केयर्स के इतने कॉल दुनिया भर के, तो ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉल्स होती हैं हम कभी कभी उसको भी अवॉइड कर देना शुरू कर देते हैं. एडवर्टाइजमेंट समटाइम्स ऐसे आर्टिकल्स की तरफ हमको अट्रैक्ट करता है जो माइट अफेक्ट द हेल्थ. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स माइट अफेक्ट द हेल्थ. सपोज अगर लिकर वगैरह की एडवर्टाइजमेंट्स हैं, स्मोक की है, और क्या बोलते हैं अल्कोहल वगैरह के हैं, तो एक तरीके से ये बैड इम्पैक्ट है. लेस परचेजिंग पावर है जिन लोगों का, उनके लिए एक तरीके से ये नेगेटिव भी आता है, क्योंकि उनके माइंड में सडनली किसी प्रोडक्ट को परचेज करने की नीड हो रही है, जो है नहीं नीड नहीं है, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट को उनको देख के लगता है कि ये उनकी नीड है इस प्रोडक्ट के लिए. तो ऐसे कस्टमर्स या प्रोस्पेक्टिव बायर्स जिनकी लेस परचेजिंग पावर है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनके माइंड में क्या हो जाता है कि नीड है, तो वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है सोसाइटी का, वो क्या हो जाता है, डिसकंटेंडेंट हो जाता है. ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है. तो ये थे अपने वीकनेस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखेंगे. इन शॉर्ट इतना सब कुछ डिस्कस किया अभी, उसके बेसिस पे फीचर्स क्या होगा, फर्स्ट ऑपरेट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या करता है, कम्युनिकेट करता है और प्लस कोऑर्डिनेट करता है कंपनी को किसके साथ, कस्टमर्स के साथ, डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव्स के साथ, और प्लस कम्युनिकेट क्या करता है प्रोडक्ट को, उसकी यूटिलिटी मींस उसकी क्या क्या यूजेज हैं, उसके फीचर्स, प्लस हमारा प्रोडक्ट क्यों सुपीरियर है दूसरे ब्रांड से, प्लस कंपनी के लिए क्या रहेगा, न्यू डिमांड क्रिएट करेगा प्रोडक्ट की, और अगर ऑलरेडी से एग्जिस्टिंग है एस्टैब्लिश ब्रांड है तो उसकी ब्रांड लॉयलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है. तो एक तरीके से ये कम्युनिकेट करता है मार्केट का और कंपनी को कस्टमर्स के साथ, प्लस ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है. दूसरा इसका मेन फीचर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई द सेल्स. ऑब्वियस है, एडवर्टाइजमेंट इसलिए की जाती है इन शॉर्ट कि कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़े और प्रॉफिट्स बढ़े. तो मेल और एडवर्टाइजिंग हम मेल के थ्रू भी कर सकते हैं, मेल से हम ऑर्डर्स ले सकते हैं, इमीडिएट सेल्स होती है, कुछ स्ट्रेटजीज हम यूज कर सकते हैं उनके रिव्यूज डाल के, उनके फोटोज डाल के, उसको यूज करने के वीडियोस बना के. ठीक, अगर किसी प्रोडक्ट का क्या सीजनेगल साइकिल्स हैं, तो मल्टीप्लाई ऑफ सेल्स करने का ये तरीका होता है. ये फीचर्स हैं एडवर्टाइजमेंट्स के. इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्समैन, ऑब्वियस है कि सेल्समैन की इफेक्टिवनेस, मतलब पर्सनली सेल्समैन की स्किल्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, अवेयरनेस क्रिएट कर चुका है प्रोडक्ट को, ऑलरेडी कन्विंस कर चुका है कस्टमर्स को उसके फीचर्स और बेनिफिट्स को. तो इसलिए क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक फर्स्ट स्टेप होता है सेलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने का. प्लस फोर्थ फीचर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ये इम्प्रूव करता है. उससे क्या होता है, रिटेलर्स के थ्रू ज़्यादा पहुँचता है एडवर्टाइजमेंट होता है, प्लस प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है. तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इम्प्रूव करने का काम करता है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रीच करता है इन एक्सेसिबल लोकेशंस को या इन एक्सेसिबल कस्टमर्स को, जिसके पास कंपनी या उसके डायरेक्ट सेलर्स डायरेक्ट नहीं मिल सकते. टोपोग्राफी ऐसी है, ट्रांसपोर्टेशन के वो हैं, कुछ टेराइन एरियाज हैं, सपोज हिमाचल एरियाज हैं, काजा एरियाज हैं, तो ऐसे ही एरियाज पे जहाँ पे पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन नहीं जा सकता, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वहाँ प्रोडक्ट तो पहुँचाया जा सकता है, और जैसे ही वहाँ से डिमांड आई तब वहां पे ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट होता है, जैसे मैंने बताया. ठीक, साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है कंपनी का, है ना, एक पर्टिकुलर देखना सडन हाई हो जाएंगे सेल्स पे कंपनी के. नेक्स्ट उसमें क्या होता है, लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स बनी रहती है अपने ब्रांड को लेकर के, पता चलता है कस्टमर्स भी लॉयल रहते हैं. ऐसे क्या होता है, एक मुश्किल हो जाता है कंपनी को, और वो उसके साथ ऑलरेडी लॉयल रहते हैं कंपनी के साथ. दूसरा, एक तरीके से ट्रायल परचेज का ऑफर रहता है कस्टमर्स के पास. देखते हैं आजकल सैशेज वगैरह में भी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं फॉर अ सैम्पल्स, तो लोग उसको यूज़ करके देखते हैं, उनको जमा एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद कि ये हम उसको यूज़ करते, तो ले लिया सैम्पल पैकेज, और उसके बाद लगता है कि ये दिस इज़ गुड, तो देन उसको वो रेगुलर करते हैं. तो एटलीस्ट लोग ट्रायल परचेज तो कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज़ करके तो देख रहे हैं, और अगर कंपनी के प्रोडक्ट में ऑलरेडी इतने अच्छे फीचर्स हों तो उसको कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट क्या करता है, काउंटर करता है कंपटीशन को, है ना. मार्केट में आपके जैसे बहुत अवेलेबल है, आप भी बहुतों के जैसे हो, इट मींस
बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये कॉम्पिटिशन्स को क्या करता है, ये कट करता है। नेक्स्ट देखो, विगरियस एडवर्टाइजमेंट्स की जाती हैं, ठीक। सपोज जो सीजनली रहता है, सपोज अभी फॉर एग्जांपल बिग बिलियन डेज चल रहा था फ्लिपकार्ट में, है ना, सेम अमेजन में, तो सीजनल सपोज जैसे दिवाली फेस्टिव सीजन, न्यू ईयर सेलिब्रेशन टाइम, क्रिसमस सेलिब्रेशन टाइम, तो ऐसे टाइम पे एडवर्टाइजमेंट इतनी विगरेस हो जाती है, प्राइस इतने कम कर दिए जाते हैं कि लोग अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए आ जाते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, नीड क्या है एक गुड एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम की, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या हुई, अटेंशन वैल्यू हुई, ठीक। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम होना चाहिए कि लोगों को मतलब क्या अटेंशन क्रिएट कर सके, लोगों के माइंड में रिटेंशन हो। रिटेंशन वैल्यू मीन्स इट मस्ट कंटेन अ मैसेज जो लॉन्ग टाइम तक याद रहे लोगों के माइंड में। सजेशन वैल्यू होनी चाहिए आपके एडवर्टाइजमेंट में, ऐसे लगना चाहिए कि आप सजेस्ट कर रहे हैं, आप नेसेसरली उसको थोप नहीं रहे हैं, आप सजेस्ट कर रहे हैं विद स्लोगन्स, कुछ अच्छे आइडियाज, आप कुछ एजुकेशन दे रहे हैं उस एडवर्टाइजमेंट में, आप कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि लोगों को उसमें कुछ एजुकेशन नहीं है तो आपको एजुकेशन और कन्विक्शन दे रहे हैं, आप उनको एक कन्विक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इट मीन्स आप उनको इम्प्रेस कर रहे हैं मोर एंड मोर पीपल्स को। अगर प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं लगा तो हम फॉर एग्जांपल मनी बैक गारंटी दे सकते हैं, गिफ्ट पैकिंग स्कीम दे सकते हैं, एक्सचेंज ऑफर दे सकते हैं, मनी 100% बैक कर सकते हैं इन केस अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो। ये थे फीचर्स और ये थे रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम।